सुमित अमूल्य टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन. नाउ वी आर डूइंग सम स्पेशल सीरीज ऑफ मीन. जो मीन सीरीज है मीन की, वी हैव थ्री सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस. वी हैव डन दैट. नाउ दीज आर सम स्पेशल सीरीज ऑफ मीन. सो इन सम स्पेशल सीरीज वी हैव टू सपोज वी हैव टू फाइंड अर्थमेटिक मीन. First of all, we have a kind of series which is bifurcated in two parts. First is inclusive series and other is exclusive series. Right? First is inclusive and other is exclusive. You know what is an inclusive series and what is an exclusive series? No one knows this. पहले मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ, फिर एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. बच्चों इंक्लूसिव सीरीज क्या होता है? इन दिस सीरीज वैल्यू ऑफ अपर लिमिट of a class interval is included in the same interval. Let me write definition of both and I'll explain it. Exclusive series, in this series value of upper limit of a class interval is not included in the concerned interval but included in the next interval. But you read this definition. Inclusive series के अंदर upper limit की जो value होती है वो same interval means concerned interval के अंदर include होती है. Inclusive means include, right? और exclusive के अंदर वो include नहीं होती. Although it is excluded, but it will be included in the next interval. How it is? See. 1 to 9, 10 to 19, then 20 to 29. Khushi, this is measures of central tendency arithmetic mean. You have attended previous classes, Khushi? Mam, previous class attend nahi kari. कौन सी अटेंड नहीं करी? प्रीवियस क्लास. प्रीवियस क्लास, उससे प्रीवियस क्लास में वी हैव स्टार्टेड विद दिस चैप्टर. प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं की ना, उससे पहले ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे हम लोग. सेम चैप्टर है बेटा, कंटिन्यूटी में है. आप बच्चों अगर तुम लोगों ने 9 का इंटरवल लगाना है और टेलीमार्क लगाना है तो 9 का टेलीमार्क कहाँ लगेगा बोलो? 1 to 9 में इसका टेलीमार्क लगेगा, राइट? अब अगर मेरे पास इंटरवल्स है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और मुझे 10 का टेलीमार्क लगाना है, कहाँ लगेगा? 10 to 20 में. दोनों सीरीज का डिफरेंस क्या है? इसकी अपर लिमिट क्या है? 9. इस 9 की वैल्यू इसी कंसर्न इंटरवल में इंक्लूडेड है. दैट्स व्हाई दिस सीरीज इज कॉल्ड एज इंक्लूसिव सीरीज. समझ आया? 9 जो है बच्चों, 9 का टेलीमार्क हमने 1 to 9 के इंटरवल में लगाया. इट मींस 9 एक अपर लिमिट है और ये अपर लिमिट अपने इसी इंटरवल में इंक्लूडेड है. हमने 9 का टेलीमार्क यहां तो नहीं लगाया ना,
बट इस केस में क्या हुआ, इस इंटरवल की अपर लिमिट है 10, बट 10 का इंटरवल यहां पे ना लग के यहां पे लगा है, नेक्स्ट इंटरवल में लगा है। तो अगर अपर लिमिट की वैल्यू कंसर्न इंटरवल में इंक्लूडेड होती है तो उसे इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं, एंड इफ इट इज नॉट इंक्लूडेड दैट सीरीज इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव सीरीज। क्लियर है बच्चों दोनों में डिस्टिंक्शन? यस मैम। प्लीज किसी को समझ नहीं आया तो मुझे बताओ, आई विल रिपीट इट अगेन। क्लियर टू एवरीवन? प्लीज रिप्लाई बच्चों, समझ आएगी नहीं आया? यस मैम। ओके हाँ नवनीत, एक्सक्लूसिव सीरीज फिर से समझा देती हूँ बच्चे। एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब है कि यहाँ पे अपर लिमिट की वैल्यू कंसर्न्ड क्लास इंटरवल में इंक्लूड ना होके नेक्स्ट क्लास इंटरवल में इंक्लूड होती है। इसका मतलब देखो, यहाँ पे मैंने इंटरवल्स लिखे हुए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अगर मुझे 10 का टैली मार्क लगाना है नवनीत, तो 10 की अपर लिमिट ये है, यही है ना 10, यहाँ पे अपर लिमिट है। तो अपर लिमिट इस वाले इंटरवल में इंक्लूड नहीं हो रही, बल्कि नेक्स्ट इंटरवल में इंक्लूड हो रही है, क्योंकि जब आप 10 का टैली मार्क लगाओगे वो 10 टू 20 के बीच में आएगा इंस्टेड ऑफ 0 to 10। तो जब आपका अपर लिमिट कंसर्न इंटरवल में इंक्लूड ना होके नेक्स्ट इंटरवल में इंक्लूड होता है, दैट सीरीज इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव सीरीज। समझ आया नवनीत? नवनीत इट इज क्लियर बेटा, या रिपीट करूं? ओके तो अब तुम्हें अगर इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन भी आ सकती है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन भी आएगा मींस, बट डेफिनेशन भी आ सकती है वन मार्क में। तो याद रखना इंक्लूसिव सीरीज क्या होता है, जहां पे अपर लिमिट की वैल्यू उसी इंटरवल में इंक्लूड होती है, और जहां पे अपर लिमिट की वैल्यू सेम इंटरवल में इंक्लूड ना होके नेक्स्ट इंटरवल में इंक्लूड होती है, दैट सीरीज इज एक्सक्लूसिव सीरीज। क्लियर टू ऑल? नाउ लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस सीरीज। सी व्हेनेवर वी सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, वी नेवर सॉल्व इट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज, वी ऑलवेज सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सक्लूसिव सीरीज। तो हमें इंक्लूसिव सीरीज को वी नीड टू कन्वर्ट इट इंटू एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट किया जाता है, और ये कन्वर्जन कैसे होता है, माइनस करते हैं 0.5 लोअर लिमिट में और प्लस करते हैं 0.5 अपर लिमिट में। लोअर लिमिट में 0.5 माइनस, अपर लिमिट में 0.5 प्लस। यू हैव डन इट इन योर 10th क्लास, इवन 10th क्लास में भी किया हुआ है ना बच्चों आप लोगों ने ये सब कुछ? यस मैम। हाँ बट तुम लोगों को डिफरेंस अच्छे से नहीं पता था कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का मेन डिफरेंस क्या होता है। गीतल नेक्स्ट पेपर कौन है, इशिका एंड रिद्धि ने ज्वाइन नहीं किया ना आज? मैम इंग्लिश का है मंडे को। इंग्लिश है, ओके। अब देखो बच्चों क्वेश्चन है 1 to 9, 10 to 19, 22, 29। नाउ दिस इज व्हाट, एन इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज? मैम इंक्लूसिव। इंक्लूसिव, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। सो हियर 0.5 माइनस 0.5 प्लस, सो यू विल गेट 0.5, 9.5। जो यहाँ का अपर होता है वो दूसरे का लोअर बन जाता है। राइट बच्चों, अब ये आपके क्लास इंटरवल्स आ गए, और यहां पे फ्रीक्वेंसी है। अब ये आपका एक नॉर्मल क्वेश्चन बन गया जिसे आप सॉल्व कर सकते हो। कौन सी सीरीज पे बेस्ड है क्वेश्चन? आपने जो थ्री मेजर सीरीज, हाँ कॉन्टिन्यूस सीरीज। ऑल्दो जब तुम इसको मिड वैल्यू से सॉल्व करोगे ना, तुम इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगा, बट मीडियन के केस में प्रॉब्लम आ सकती है।
मीन में नहीं आएगी क्योंकि मीन एवरेज होता है. तो मीडियन के केस में जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तब प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप उसको कन्वर्ट नहीं करोगे. बट मीडियन में सॉरी मीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. इसको जब तुम लोग कैलकुलेट करोगे तब भी 10/2 दैट इज 5, यहाँ पे भी 10/2 5 ही आएगा. बट कन्वर्जन शो कर देना, इट विल बी इजियर फॉर यू, ताकि आगे की जितने भी हम लोग टर्म्स करेंगे उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब बताओ इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग कितने मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं. हाउ मेनी मेथड्स वी हैव? हम थ्री. थ्री नेम देम मैम. डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड यस एकलव्य. डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन. स्टेप डेविएशन, गुड अलेप. तो आप किसी भी मेथड को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अंटिल अनलेस इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा कि ये मेथड अप्लाई करना है देन यू हैव टू यूज दैट मेथड ओनली. मैं क्वेश्चन शो कर रही हूँ, आप लोगों ने सॉल्व करना है. सुमित एंड मूल्य, अच्छा आप दोनों को तो फॉर्मूलाज अभी नहीं बताऊंगे ना. बच्चों मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, आप लोग सॉल्व करना. टिल देन मैं इन लोगों को फॉर्मूलाज क्लियर करती हूँ. मैम तीनों में से किसी भी उससे कर दें हम सॉल्व. हाँ कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं क्लव्य. अगर क्वेश्चन में मेंशन है तब तो फिर वही मेथड भी कर सकते हैं हम लोग. ओके मैम. यस क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23. It is given solved by shortcut method. बच्चों question note कर लो जल्दी से. अमूल्य एंड सुमित conversions बच्चे आप लोग भी कर सकते हो. Till then conversions करके रखो इसके. Make it exclusive. ओके मैम. बाकी बच्चों को सॉल्व करना आता है क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करो. कॉन्टिन्यूस सीरीज बन जाएगी. यस बेटा. हम फर्स्ट वाला कैसे करेंगे सॉल्व? कौन से वाला? फर्स्ट क्वेश्चन 23 कैसे सॉल्व करेंगे? यही तो बताया कि चल अभी इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो पहले. बच्चे देखो कोई सीरीज कौन सी है, ये आइडेंटिफाई कर पा रही होगी तो ये सीरीज कौन सी है. मैम इंक्लूसिव है. हाँ मेक इट एक्सक्लूसिव फर्स्ट. मैंने अभी बोर्ड पे समझाया था ना एक्सक्लूसिव कैसे बनाते हैं इसे. यस मैम. आता है गीतल की नहीं आता? मैम एक बार फिर से समझा दो. फिर से समझा देती हूँ. अब बोर्ड पे देखना भी करूंगी. बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया? यस मैम. सॉल्व इट. देखो बोर्ड दिख रहा है गीतल अमूल्य एंड सुमित. यस मैम. आपने इसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया? हाउ कैन वी कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज? गीतल सी लोअर लिमिट, दीज ऑल आर लोअर लिमिट्स. लोअर लिमिट्स में सब में 0.5 माइनस करेंगे
और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे सो यू विल गेट 19.5 माइनस 29.5, 29.5 to 39.5, 39.5 to 49.5, 49.5 to 59.5, then it is last till 69.5. Italy step clear, eh? Yes ma'am. Okay, now we have given frequencies and these are the wages 20, 10. इतल कॉन्टिन्यूस सीरीज की थी इतल कॉन्टिन्यूस सीरीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे बेटा मैम मेरा एग्जाम था तो मैं नहीं कर पाई थी मैम मैंने भी नहीं करे और कौन है मैंने नहीं किए हुए कौन बोला ये रिद्धि रिद्धि अभी तो तुम क्लास में नहीं थी आ गई स्टार्टिंग से थी ओके हाँ रिद्धि ये तो मैंने जब चैप्टर स्टार्ट कराया था शायद तब भी तुमने क्लासेस नहीं लगाई हुई इसकी है ना यस मैम कोई बात नहीं अब रिकॉर्डिंग देखना आराम से बच्चों दिस इज कॉन्टिन्यूस सीरीज कॉन्टिन्यूस सीरीज को सॉल्व करने के लिए देखो दिस इज द केस ऑफ सम स्पेशल सीरीज एंड वी हैव कन्वर्टेड दिस स्पेशल सीरीज इनटू कॉन्टिन्यूस सीरीज तो कॉन्टिन्यूस सीरीज का ये केस है कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए वी हैव थ्री मेथड्स फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड सेकेंड इज शॉर्टकट एंड अज्यूमिंग मेथड एंड थर्ड मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड दीज आर द थ्री मेथड्स टू कैलकुलेट मीन अब आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको शॉर्टकट मेथड पूछा है पहले तो मैं यही समझा रही हूँ शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर एन नोट डाउन दिस फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर एन हेयर ए इज अज्यूमिंग एन इज बच्चों व्हाट इज एन हियर व्हाट इज एन इन द क्वेश्चन वन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी Number of frequency? It is total of frequency, which is sigma f. Sigma, आप लोगों को पता होगा sigma is summation. Now, what is d here? D is deviations. Formula for D is in case of continuous series M minus A. Note it down. कर लिया नोट मैम आगे के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेना क्या कह रहे हो अलेप आगे के क्वेश्चंस भी कर लें हाँ हाँ कर लो आगे जो इंक्लूसिव का सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 उसे भी सॉल्व कर लो ओके सी अब यहाँ पे आपको मिड वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी पहले एम मिड वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं एम स्टैंड फॉर मिड वैल्यूज कई जगह पे एम वी भी लिखा होता है या फिर खाली एम भी लिखते हैं एम का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय टू दीज ऑल आर लोअर लिमिट एंड दीज ऑल आर अपर लिमिट्स दिस प्लस दिस बाय टू कैलकुलेटेड मैम डन वेरी गुड एकलव्य 24th क्वेश्चन स्टार्ट कर दो ओके मैम
See this plus this by 2. Yeah. This is 24.5. Yes, beta, bolo. Bolo, kaun bol raha hai, bachche? Ma'am, aapne bakris kara di hai. Haan, sab kuch kara di hai, Ishika. Okay, ma'am. देखो एक निकाल ली 24.5 इनके बीच का गैप कितना है 10-10 का गैप है तो 10-10 प्लस करते चलते हैं नाउ वी गॉट एम अब हमने क्या करना है डी को कैलकुलेट करना है डी इज व्हाट एम माइनस ए ए को कभी भी एज्यूम इनको फ्रीक्वेंसी में से एज्यूम नहीं करते ऑलवेज मिड वैल्यूज में से एज्यूम करते हैं तुम लोगों को पता होगा जूनियर क्लासेस में तुमने सीखा है मिडल टर्म को ए लेते हैं बट आप किसी भी नंबर को ए लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो सो आई एम टेकिंग द लोएस्ट नंबर एज ए क्योंकि इससे सारी डेविएशन मेरी पॉजिटिव आ जाएंगी सो 0, 10, 20, 30 and 40 नाउ अकॉर्डिंग द फॉर्मूला This is our formula. We have calculated A. N is total of frequency. Frequency का total कर लेते हैं. 6, 4, 10, 15, 2, 3, 4. 45 आ गया ये. और D हमने calculate कर लिया. इसे F के साथ multiply करना है. FD निकालना है. तो इन दोनों को आपस में multiply करेंगे. Make another column for FD. This is 0, 100, 120, 120, 200, 540. Apply these values in your formula to calculate mean. A we have assumed as 24.5. Sigma FD is 540 over 45. अब इसे cancel करके पहले ये वाला portion solve करना है जो answer आएगा add कर देना. अब बताओ किसको समझ आया किसको नहीं आया हाँ जी बच्चों बोलो मैम क्लियर है क्वेश्चन यस मैम यस मैम क्लियर है ये स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो तुम्हें क्वेश्चन समझ ही नहीं आएंगे कभी भी नहीं आएंगे जब तक खुद नहीं करोगे क्वेश्चंस मेरे से जितने मर्जी क्वेश्चन सॉल्व करवा लेना बट अंटिल अनलेस यू विल प्रैक्टिस यू वोंट लर्न एनीथिंग सो स्टार्ट्स तो मांगती ही प्रैक्टिस है इट्स सेम लाइक योर मी मैथ्स तो मैथ्स में जिस तरह से आप सारी प्रैक्टिस करते हो यहाँ पे भी करनी पड़ेगी अदरवाइज क्वेश्चन नहीं क्लियर होंगे एंड डोंट थिंक ये स्टैट्स यहीं तक है कॉलेज लेवल पे भी आई टोल्ड यू ये स्टैटिस्टिक्स आएगी आएगी सारी तो उस टाइम भी आपको ये सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा Yes, Amulya and Sumit. Clear to both of you? Question clear है बच्चों की नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. Now the next series is अब देखो बच्चों एक question मैं और show करूंगी वो तुम्हारा homework है क्योंकि मुझे अभी series एक और करवानी है तो ये क्वेश्चन यू डू इट योरसेल्फ इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन नंबर 24 अच्छा इसमें स्टेप डेविएशन है स्टेप डेविएशन मेथड आप लोगों ने अपने आप से करना है मैं बता देती हूँ फॉर्मूला क्या है अलेप नहीं कर दिया गुड अलेप Now next we have is another type of series, less than and more than series. See this series is called as cumulative frequency series
What is cumulative frequency? You know what is cumulative frequency? It is the diagonal summation of all the frequency. See, cumulative frequency series, ye do type ki series hai. First is less than series. Second is more than series. अब जब भी क्वेश्चन में आपको लेस देन या मोर देन दिया होगा दोनों सीरीज के साथ whether it is mentioned or not, cumulative frequency is given. We call it as CF. आपके क्वेश्चन में जब भी लेस देन sometimes क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों लेस देन सीरीज दी होगी और ऊपर लिखा होगा फ्रीक्वेंसी. So this is not frequency, this will be your CF. क्योंकि less than and more than के साथ always CF होगा, frequency नहीं होगी कभी भी. Question में अगर mention भी है frequency, तो you have to assume that it should be understood for you that this is cumulative frequency, not normal frequency. Clear है यहाँ तक? Yes, ma'am. अब जो less than series है उसमें सारे इंटरवेल्स अपर लिमिट से छोटे होते हैं सो इट इज ऑल लेस देन अपर लिमिट. एंड इन केस ऑफ मोर देन ऑल इंटरवेल्स आर मोर देन योर लोअर लिमिट. मोर देन लोअर लिमिट दोनों सीरीज का कन्वर्जन कॉन्टिन्यूस सीरीज में होता है. दोनों सीरीज को किसमें कन्वर्ट किया जाता है कॉन्टिन्यूस सीरीज में. नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने ये जल्दी से नोट करो इसे लिख लो. इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज CF is always given in the question with less than and more than series both. Write it. In case of cumulative frequency series, CF is always given in the question with less than and more than series. Both will be converted into continuous series. Both will be converted into continuous series. लिख लिया बच्चों? Yes, ma'am. Yes. Okay, अब इसका एक example लेते हैं दोनों series का. सबसे पहले लेस देन सीरीज बच्चों इसका क्वेश्चन आपको कैसे दिया होगा लेस देन 20 लेस देन 30 लेस देन 40 लेस देन 50 लेस देन 60 राइट सारी टर्म्स के साथ लेस देन होगा और ये सारी अपर लिमिट्स होती है अपर लिमिट से सब छोटा होता है ये. अब यहां पे अगर आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है बट ऑलवेज रिमेम्बर कि यहां पे फ्रीक्वेंसी का जो एक ऑर्डर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा असेंडिंग ऑर्डर होगा आप लोगों का. इधर हियर मेंशन इज फ्रीक्वेंसी बट दिस इज नॉट योर फ्रीक्वेंसी दिस इज योर सीएफ. सी ऑर्डर देखो फ्रीक्वेंसी क्या है इंक्रीज कर रहे हैं ना. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस लेस देन सीरीज इनटू कॉन्टिन्यूस सीरीज. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन
What is continuous series, discrete series and individual series in my previous classes? So less than ka conversion kaise karte hai? Bacho, dekho, yahan pe 10-10 ka gap hai. To ye interval ki framing hume apne aap karni padti hai because 10-10 ka gap hai. So we'll assume first interval will start from 10 to 20. Next will be 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and then last is 50 to 60. Interval conversion samajh aa gaya? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now we need to convert this CF into frequency. इस CF को हमने convert करना है frequency के अंदर सबसे पहले जो first frequency होती है that will remain same वो as it is लिख दी आप नीचे से ऊपर minus करते चलोगे 15 में से 5 गए 10 ये याद रखना बच्चे इसमें बहुत जल्दी confused हो जाते हैं सिर्फ नीचे से ऊपर minus करना अपना फंडा याद रखना 50 में से 15 गए ये कर लिया ना हमने ऊपर वाला एक हाँ इसमें से ये गए कितना आया 35, now 80 में से 50 गए, 30, now this is 20. बच्चों CF का conversion frequency में clear है? Yes ma'am. Yes ma'am. अब ये कौन सी series बन गई? Continuous series. Continuous series का अगर question में mention है कि ये method apply करना है, तो वो ही मेथड अप्लाई करना है अदरवाइज इट इज अप टू यू यू कैन यूज एनी वन मेथड अमंग ऑल थ्री वी हैव नाउ दिस सीरीज इज योर कॉन्टिन्यूस सीरीज यू कैन इजिली अप्लाई शॉर्टकट स्टेप डेविएशन एंड डायरेक्ट मेथड इन दिस सीरीज सिर्फ कन्वर्जन समझ आना चाहिए बाकी फॉर्मूला विल रिमेन सेम कन्वर्जन क्लियर है सबको नो डाउट नो मैम Yes. Ma'am. हाँ जी शिका. मैं less than में नीचे से ऊपर कर. हाँ नीचे से ऊपर minus करेंगे. Clear शिका? Yes. बच्चों 17th क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन में कन्वर्जन करो अमूल्य एंड सुमित मैंने अभी अभी समझाया है शॉर्टकट मेथड कैसे अप्लाई करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में यू कैन अप्लाई इट इजिली जल्दी से 17th क्वेश्चन सॉल्व करो अगर कोई भी डाउट होगा कुछ समझ नहीं आएगा किसी भी बच्चे को प्लीज मुझे बता देना मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी बट कुछ गलत मत करना और जिनकी स्पीड थोड़ी लो है ना क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए प्लीज थोड़ा जल्दी सॉल्व करना क्वेश्चन को डन मैम रिद्धि Yes, ये क्वेश्चन वो कर भी लिया तुमने वो सॉरी 17th क्वेश्चन सॉल्व कर लिया दीदी कन्वर्ट करा हुआ आगे अच्छा कन्वर्ट किया आगे सॉल्व हाँ फॉर्मूला बताना फॉर्मूला फॉर्मूला इज ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर एन मैम स्टेप डेविएशन का अभी इसमें तो शॉर्टकट अप्लाई करना है शॉर्टकट का ही फॉर्मूला बताया मैंने मैम लेस देन में नीचे से ऊपर करना है ना हाँ नीचे से ऊपर ऋषिका और मोर देन ऊपर से नीचे मोर देन आने दे अभी फिर समझा दूंगी है ना ओके मैम पहले लेस देन का क्वेश्चन सॉल्व कर लो फिर मोर देन भी करवाऊंगी हाँ बोलो बेटा
बोलो कौन बोल रहा था? Someone said something. Ma'am. Ma'am, मैं पूछ रही हूँ कि जो m निकालना है हमें वो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके निकालना है ना? Yes, dear. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. खुशी अभी तो एक्सप्लेन किया बेटा शॉर्टकट मेथड. वेयर आर यू? अभी बच्चे मैंने कॉन्टिन्यूस सीरीज का इंक्लूसिव सीरीज में शॉर्टकट मेथड ही तो समझाया था. खुशी तुमने कन्वर्ट किया इसे, क्वेश्चन को कन्वर्ट किया फिर मैं समझाती हूँ. बोलो देन कन्वर्टेड बेटा. अभी मैंने लेस देन का कन्वर्जन सिखाया है ना कॉन्टिन्यूस सीरीज में, पहले उसे कन्वर्ट करो फिर मैं बोर्ड पे करके दिखाती हूँ शॉर्टकट कैसे करते हैं. वो मीन किस में से लेते थे? As you mean, mid values में से. इशिका इशिका तुमने एक भी क्लास नहीं लगाई इसकी? मैम वो मैं लगा नहीं रही थी और वो ये पहले भी हमने किया हुआ है पर मैं वो सही मतलब. हाँ पहले तो किया हुआ है टेंथ क्लास में, बट टेंथ क्लास में सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चंस किए हुए ना, ना हमें फॉर्मेशन पता है ना हमें डेफिनेशन पता है, बट ये इकोनॉमिक्स के अंदर हम बट हमने नहीं शुरू में भी किया था. हाँ इशिका तुमने किया था मेरे साथ ये ऐसा आई रिमेम्बर दिस, तुमने किया था मेरे साथ किया, बट अब मैं वो भूल गई, मेरे को बस थोड़ा बहुत याद है वो. ओके गुड अलेप एंड रिया. बच्चों एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना जिसका रह गया या क्वेश्चन नोट कर लो. अमूल्य एंड सुमित आप दोनों का हुआ बच्चों? डन. गुड नवनीत आई एम शोइंग यू अनदर क्वेश्चन. इसके मैं मोर देन भी स्टार्ट करवा रही हूँ इसी के साथ. बच्चों जिन जिन बच्चों का हो गया ना 20th क्वेश्चन सॉल्व करो. यूज स्टेप डेविएशन मेथड हियर, डू क्वेश्चन नंबर 20th. मैम और जिन जिन बच्चों का नहीं हुआ प्लीज जल्दी करो. मैम बोलो बेटा. मैम मेरे को मैम इंटरवल समझा दो मैम, अगर लेस देन 10 है तो क्या होगा? अब देख एकलव्य यहाँ पे सारा 10-10 का गैप है ना, लेस देन 10 मतलब 10 से छोटा तूने 10 तक का गैप लेना है तो वो जीरो से स्टार्ट होगा ना बेटा. यस मैम. ओके मैम. जीरो से लेके 10 के बीच में 10 का गैप हो गया. हम क्या करते हैं जितने हमें गिवन होते हैं ना अपर लिमिट उनका गैप देखते हैं कितने कितने का है और फर्स्ट इंटरवल देखते हैं कहां तक दिया हुआ है, 10 तक दिया हुआ है, लेस देन 10, 10 से छोटा सारा क्या होगा जीरो तक जाएगा तो 0 to 10. ओके मैम. सेवनटीन्थ क्वेश्चन हो गया सबका. अंकित आज भी बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट नहीं है, दिव्या नहीं है, साइमा साइमा है, रोहित क्वेश्चंस कर रहे हैं. रोहित यस मैम हो रही है सॉल्व.
मैम यस बोलो रिद्धि स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला बता दो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला दिस इज ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश ओवर ए इनटू आई आई विल राइट इट ऑन द बोर्ड बोर्ड देख रहे हैं रिद्धि यस मैम स्टेप डेविएशन अप्लाई करना आता है रिद्धि Yes, ma'am. This is a formula for step deviation. Ma'am, abhi unne sirf mean hi kiya na aise. Ma'am, mean hi kiya. Mean ki special series chal rahi hai abhi, Ishika. Median mode to nahi kiya. Median mode to iske baad aayega. वो नेक्स्ट चैप्टर है पहले जिसको मीन आएगा अच्छे से वही मीडियन मोड भी कर पाएगा रिद्धि नोट कर लिया फॉर्मूला यस मैम अरे बेटा जल्दी बोलो हुआ फिर मैं मोर देन स्टार्ट करवाऊं अमूल्य अंकित बलप्रीत हो गया आप तीनों का क्वेश्चन यस मैम ओके अंकित अंकित यस मैम क्वेश्चन हो गया बेटा मैम अच्छा बोला नहीं ना अंकित आज ओके बलप्रीत दिपिशा हो गया दर्शप्रीत देवांश एकलव्य एकलव्य का तो हो गया होगा गीतल क्वेश्चन हो गया समझ आया शॉर्टकट यस मैम खुशी क्या किया खुशी लेफ्ट सतनाम हो गया क्वेश्चन वानी साहिमा सुमित क्वेश्चन हो गया बेटा कर रहा हूं मैं अभी कर रहे हो अभी ओके सतनाम मानी साइमा क्वेश्चन हो गया बच्चों आप लोगों को पता है ना अभी आप लोगों की क्लास है एक्स्ट्रा 5 o'clock इकोनॉमिक्स की क्लास है सेम आईडी पे और उसमें मैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का आगे वाला टॉपिक करवा रही हूँ इंडिफरेंट एनालिसिस तुम लोगों को ब्रेक मिल जाए इसलिए मैं आज वाली क्लास टाइम पे वाइंड अप कर दूंगी मोर देन सीरीज समझा दूं यस मैम ओके देखो इधर मोर देन सीरीज एवरीवन लीव योर क्वेश्चन जहां तक भी किया है लुक एट द बोर्ड नाउ नाउ इन केस ऑफ मोर देन सीरीज वी नो दैट अपर लोअर लिमिट इज ऑलवेज गिवन ओके रिया सो हेयर नाउ आवर क्वेश्चन इज मोर देन Zero, more than 10, more than 20, more than 30. And frequencies given in the question. More than जो होता है बच्चों more than हमेशा decreasing order में होगी आपको cumulative. More than के साथ जो भी frequency, cumulative frequency given होती है that will be in decreasing order. 20, 12, 10, And 5. Now converted into continuous series. More than 0.
तो जीरो से ज्यादा, टेन टेन का गैप है, टेन टेन का गैप है सब में जीरो से ज्यादा, मतलब जीरो टू टेन, टेन टू ट्वेंटी, ट्वेंटी टू थर्टी, और इसमें एक इंटरवल ज्यादा बनता है बिकॉज इट इज मोर देन थर्टी, तो थर्टी टू फोर्टी। नाउ क्लियर है बच्चों ये कन्वर्जन। अब ये सी एफ गिवन है क्वेश्चन में एंड वी नीड टू फाइंड हियर फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी मोर देन में कैसे कैलकुलेट करते हैं, नीचे से स्टार्ट करोगे। नीचे कितने हैं, फर्स्ट नंबर फाइव, तो पहले लिखा फाइव, अब टेन में से फाइव गए, अगेन इट इज फाइव, उसके बाद ट्वेल्व में से टेन गए, अब ऊपर से नीचे आ रहे हो सारा, टू, ट्वेंटी में से ट्वेल्व गए, एट। क्लियर है बच्चों हाउ टू फाइंड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ मोर देन सीरीज। किसी को डाउट? नीचे से कैलकुलेट करना है, नीचे वाला एज इट इज, उसमें ऊपर से करते हो लेस देन में, यहां नीचे से करोगे, पहले वाला एज इट इज लास्ट वाला, फिर ऊपर से नीचे माइनस, ऊपर से नीचे माइनस, ऊपर से नीचे माइनस। अब ये फिर से कॉन्टिन्यूस सीरीज बन गई। अब इसमें शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन या फिर डायरेक्ट मेथड कुछ भी अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूला एंड यू कैन इजिली कैलकुलेट योर मीन। समझ आ गया? क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके दिखाऊं आप कि हो जाएगा, बोलो मैम हो जाएगा। हाँ तुम्हारा तो हो जाएगा एकलव्य, आई नो बेटा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एनीवन जिसको प्रॉब्लम आ रही है तो बोलो, मैं क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके दिखाऊं या करोगे बच्चों प्रैक्टिस अपने आप, क्वेश्चंस शो करूं स्क्रीन पे, बोलो शो कर दूं क्वेश्चन। ये भी नहीं बोलना क्वेश्चन करना है कि नहीं करना, चलो फिर तुम्हारी विश, अब खुद सॉल्व करो इसे। क्वेश्चन नंबर 18 करो, स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है। स्टेप डेविएशन में बता देती हूँ अप्लाई कैसे करना है, कन्वर्ट करो पहले, और बाकी के बच्चों आप लोगों को पता है स्टेप डेविएशन कैसे अप्लाई करना है, आप लोग स्टार्ट करो। कल आप लोगों का अकाउंट्स टेस्ट है और वो आपको ऐप पे जाके ही अपलोड करना है टेस्ट अपना, सो टाइमली ज्वाइन योर टेस्ट, क्योंकि जर्नल एंट्रीज है विल टेक टाइम, और अगर आपने टाइम पे अपलोड नहीं किया उसके बाद वो एक्सेप्ट नहीं होगा टेस्ट। अब जिन्होंने क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, कन्वर्जन्स कर लिए हैं, मैं स्टेप डेविएशन मेथड समझा रही हूं जिन्हें नहीं आता उनके लिए। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन कन्वर्ट कर रही हूं। ठीक है, यही है कन्वर्जन आप लोगों का भी? यस मैम। ओके बेटा, अब स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करना है। अमूल्य एंड सुमित ध्यान से सुनना दोनों, और जिनको नहीं आता वो भी प्लीज। सी नो माय फॉर्मूला इज ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश ओवर एन इन टू आई। ए आप लोगों को पता है ज़ूम मीन शॉर्टकट में भी किया है, एन पता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, आई मतलब इंटरवल गैप। नाउ व्हाट इज डी डैश हियर, डी डैश इज डी ओवर आई। वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड डी इन केस ऑफ शॉर्टकट मेथड, सो दिस इज एम माइनस ए ओवर आई। नोट इट डाउन बच्चों,
क्लियर है बच्चों, स्टेप डिवीजन अप्लाई कैसे करना है अभी बता रही हूँ। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? देखो अब मिड वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे बिकॉज मिड वैल्यूज में से अज्यूमिन ले लेते हैं ए। नाउ फाइंड डी, डी इज व्हाट एम माइनस ए, जीरो टू फोर सिक्स देन इट इज एट निकालना है। गुड ले कीप नाउ दर्शप्रीत, जिनका भी हो गया बिकॉज 5 o'clock फिर से क्लास अटेंड करनी है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम आगे चैप्टर करवाऊंगी, अगर क्लास अटेंड नहीं करोगे रिपीट नहीं करूंगी चैप्टर, फिर अपना रिकॉर्डिंग देखना आराम से, ठीक है? जिन बच्चों को हो गया दे कैन लीव द क्लास। अब बच्चों देखो डी डैश निकालना है, डी डैश इज व्हाट डी ओवर आई, और इन सबके बीच में गैप कितने का है? टू टू का। और समटाइम्स अगर ये गैप समझ ना आए तो आपने सिर्फ डी को देखना है, डी के बीच में टू टू का गैप चल रहा है, तो हम लोग आई को एज्यूम कर लेते हैं एज टू, तो आई को क्या ले लिया हमने? टू। तो अब आप यहाँ पे डी डैश कैलकुलेट कर सकते हो इन सबको टू से डिवाइड करके, डी ओवर टू करके। अब क्या चाहिए फॉर्मूला में? एफ इंटू डी डैश, तो एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई करते हैं, मेक अनदर कॉलम। एट्टी एट, इवैल्यूएट द वैल्यूज इन योर फॉर्मूला, वन प्लस 88 ओवर एन, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 8, 7, 15 और 5, 20, 30, 40। सो दिस इज 2, 2, 1.2, आंसर कितना आ रहा है इसका? ओ इनटू आई नहीं किया, सॉरी 2। So 5.5 is the answer. देखो बच्चों step division clear है? बोलो बेटा। बोलो रोहित। मैम मैं तेरी repeat कर दूँ। रोहित इस क्वेश्चन में स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैलकुलेट करना था और मोर देन सीरीज गिवन थी। सुमित है तो वो इंडिफरेंस एनालिसिस, आप चाहो तो क्लास लगा सकते हो। ओके मैम। सुमित बोले आप दोनों भी क्लास अटेंड कर सकते हो। हाँ रोहित, अगर अब तुम दोनों का क्वेश्चन हो गया सुमित ना मूल्य युक्ति, जिन बच्चों का क्वेश्चन हो गया दे कैन लीव द क्लास। मैम एक बार ही एम समझा दो, एम रीजॉइन एट, क्या कह रहे हो बेटा? मैम जो एम एम नहीं निकाला हमने वो कैसे निकाला था एक बार? अच्छा मिड वैल्यूज, मिड वैल्यूज, मिड वैल्यूज कैसे निकालते बेटा? मिड वैल्यूज का मैंने अभी पहले भी फॉर्मूला बताया था, अपर लिमिट ओवर लोअर लिमिट बाय टू। देखो जैसे जीरो है ये लोअर है, ये सारी लोअर है और ये सारी अपर है, तो यहाँ पे जीरो प्लस टू ओवर टू, सो टू बाय टू इट इज वन। अब हम क्या करते हैं, सारी निकालने की जरूरत नहीं होती है अगर सबका इंटरवल सेम होता है, तो दो दो का गैप है, एक निकाल ली हमने वन आ गया, अब इसमें टू टू प्लस करते चलो। इधर यू कैन कैलकुलेट इट, 4 + 2 इट इज 6 / 2 इट इज 3, 6 + 4 / 2 इट इज 5, ठीक है? क्लियर है सुमित? यस सर। हाँ बोलो बेटा।
मैम जो बाकी की दो सीरीज है वो करा दी है ना आपने वैसे? बाकी की तीन सीरीज जो इशिका मेन थी ना, जो मेन स्टार्ट होता है इंडिविजुअल डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस, वो तीनों सीरीज करा दी है, बाकी की स्पेशल सीरीज चल रही है। वो तीन सीरीज मेन सीरीज होती है। हाँ ये तो टीएफ सीरीज चल रही है वो तो पता है मेरे को, और जो इससे पहले वाली थी उसकी रिकॉर्डिंग तो होगी ना? हाँ उसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप पे अपलोड की हुई है। ओके यस। हाँ रोहित उसके बाद इसमें एम निकाला रोहित, कॉन्टिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला लगाया है डेविएशन का, एम कैसे निकलेगा रोहित? लोअर, अभी मैंने बताया लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, देन डी फाइंड करेंगे अज्यूमिंग लेके एम माइनस ए, उसके बाद डी डैश निकालेंगे। डी डैश कैसे निकालेंगे? कॉमन फैक्टर लेंगे, कॉमन फैक्टर डी किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से, तो 2 कॉमन फैक्टर ले लिया, डी डैश आ गया, एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज को इवैल्यूएट कर दिया। हाँ रोहित समझ आया? यस मैम। रोहित? यस मैम। क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों को प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जब तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होंगे। हाँ क्वेश्चंस सॉल्व। हाँ बोलो बेटा बोलो अंकित। हम जो अगली क्लास है हमको कौन सा चैप्टर है? हम वो इको की क्लास है। हाँ हाँ इको की क्लास है, इको की क्लास है, कंज्यूमर्स इक्विपमेंट दूसरी बुक है, उसका चैप्टर है एक। ओके बाय बच्चों। बाय मैम। बाय बच्चों।